हेलो दोस्तों, आईटीआई पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको 13 सितंबर 2021 को जो इंजीनियरिंग ड्राइंग का एग्ज़ाम हुआ था उसका एक आंसर की मैंने बनाया हुआ था, जिसमें आपको और सबसे लास्ट क्वेश्चन था आपका आइसोमेट्रिक का, जिसको थर्ड एंगल में व्यू बनाना था। उसमें एक मिस्टेक हो गया था कि हिडन लाइन जो है छूट गया था, जिसके लिए सॉरी। आज इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे कि आपका जो हिडन लाइन है ऑब्जेक्ट का जो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में व्यू बनेगा, उस व्यू में हिडन लाइन कहाँ पे आएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो ये थे, ड्रॉ फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट दिया गया था, इसका जो टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू को आपको बनाना था। इस ऑब्जेक्ट का जो है टोटल लंबाई यहाँ से यहाँ तक जो है 60 दिया गया था, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो साइड की तरफ से 45 mm है, और बाकी का यह 20 था और ये भी 20 है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 20 थी और यहाँ से 20 थी, और ये जो अंदर गया है जो भी कटा हुआ है इस प्रकार से, इस भी कट जो है अंदर जो गया है वो 8 mm गया है, जिसका डायमेंशन यहाँ पर दिया गया है। और इस लाइन की जो है ऊँचाई जो है 10 mm है, उसके बाद ये टेपर जो है 20 mm है, और इस टोटल की जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वो 30 mm है आपका, और ये जो स्लॉट है, ये स्लॉट जो है जिसकी हाइट, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो 5 mm है। फिर यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन में नहीं दिया गया था यहाँ से यहाँ तक की दूरी, बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी दी गई थी, ठीक है। ये 60 है, 15 यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, और 30 बीच वाला जो भी कटा हुआ नीचे इसका दिया गया है, 15 और 30 45 और 15, ये 15 है, ठीक है। यहाँ से जो इसका जो डायमेंशन होगा वो 15 mm है, दो कुल टोटल मिला के जो है तीनों को मिला के 60 mm हमारा हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है 20 है, और उसके बाद यहाँ से जो नीचे आएगी इस लाइन से जो ये नीचे है इसका जो डायमेंशन है वो 20 है, 20 नीचे आया है। ये भी कट जो है 10 का है, ये भी जो कटा है ये नीचे गहराई डेप्थ में जो है वह 10 mm नीचे आया हुआ है, और ये जो आपका दोनों साइड से टेपर जो दिया गया है, ये और ये दोनों की जो मोटाई है वो 8 mm है, ठीक है, जिसका डायमेंशन यहाँ पे मैंने दिया हुआ है। आपको ऑब्जेक्ट का डायमेंशन समझ में आ गया होगा, ये देख लो, ये फ्रंट है, साइड है और ये टॉप है। इसका जो व्यू बनेगा वो इस प्रकार से, ये आइसोमेट्रिक का जो है व्यू इस प्रकार से बनेगा, जिसमें मैंने हिडन यहाँ पे एक हिडन छूट गया था, और यहाँ छूट गया था, यहाँ पे छूट गया था, और ये जो नीचे कट मारा है यहाँ से यहाँ तक की ये हिडन छूट गया था, ठीक है। बाकी जो बना है ये सही है। तो आपको ये जो हिडन जो दिया गया है, ये हिडन कहाँ का आएगा ये आप देख लो। पहले आप फ्रंट व्यू को जब देखोगे तो आपको ये दिखेगा, ये दिखेगा, और ये और ये दिखेगा, ये पर्सन दिखेगा, ठीक है, और बीच में जो भी कट है ये दिखेगा। तो इसका जो आप बनाते हो पूरा, ये क्लियर ऐसे बना रहे हो, ठीक है, इस प्रकार से बनेगा। और ये हिडन जो है आपका, ये जो स्लॉट कटा हुआ स्लॉट जिसकी हाइट 5 mm है, ये ऐसे आएगा ना जी, यहाँ तक आएगा, और उसके बाद ये इस प्रकार से स्लॉट कटा हुआ अंदर अंदर में जो ये खोखला है, ठीक है, ये अंदर में क्या है, खोखला है अंदर में, कुछ भी नहीं है, ये स्लॉट कट दिया गया है। तो उसका जो स्लॉट कटा हुआ जो बीच में दिया गया है, बीम जो या पिलर जो भी कहो आप, वो जो दिया गया है, तो उसका जो हिडन यहाँ पे आएगा, ये वही हिडन है, 5 mm की दूरी पे ये हिडन लाइन आपका आएगा। अब आते हैं टॉप व्यू में, टॉप व्यू में आपका जो हिडन आएगा वो क्या है, पहले आप देख लो कि टॉप से आपको क्या दिख रहा है, ये दिखेगा, ये भी दिखेगा, और ये और ये भी दिखेगा, ये दोनों जो टेपर कटा हुआ, ये दोनों टेपर कटेगा, ये भी कटेगा, और बाकी यह जो भी है ये वो पर्सन दिखेगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर वो बना दिया गया है, ठीक है, ये टेपर भाग है, ये वाला भाग ये है, और ये भाग जो है ये है, ठीक है, और ये दोनों चीज़ हैं, और ये जो भी कटा हुआ 30 mm का जो आपका है, ठीक है, 30 mm का ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी 30 mm की है, तो वो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आप एक देख रहे हो कि भी कटा हुआ, तो दोनों साइड सेम गया, ये 15 mm है, ये भी 15 mm है, ठीक है, 15 15 का ये है, ये क्लियर हो गया। और ये जो स्लॉट जो कटा हुआ, तो इसका जो हिडन जो है ऊपर में भी आएगा, ठीक है, 15 mm पे, 15 mm यहाँ पे हम लेंगे, यहाँ पे 15 mm लेंगे, मिला देंगे, उसके बाद जो है एक हिडन ऐसे दर्शाएंगे, फिर यहाँ से 15 जाएंगे, यहाँ भी 15 जाएंगे, हिडन दर्शाएंगे, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे किया गया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का, यहाँ तक आपको समझ में आ गया,
कि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू में हिडन कैसे आए। साइड व्यू में अब आते हैं, तो साइड व्यू में आपको ये पार्ट दिखेगा, ये आगे वाले पार्ट दिखेगा। और हिडन की जब बात करें तो हिडन में आपका जो ये जो भी कटा हुआ, भी स्लॉट जो कटा हुआ आपका 10 mm क्या डेप्थ है, तो 10 mm डेप्थ पे यहाँ पे एक हिडन बनाएगा यहाँ तक 20 तक, ठीक है। और ये फिर नीचे जो 10 आया है तो ये 10 तक यहाँ पे आएगा, क्लियर हो गया। ये भी वाला एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आएगा हिडन, उसके बाद जो है ये हिडन आएगा, ये जो 20 का नीचे है तो 20 वाला ये नीचे यहाँ तक आ जाएगा, उसके बाद ये 10 ऊपर, ठीक है, ये 20 तक ही आएगा यहाँ तक, ठीक है। ये जो लाइन आप लोग है तो यहाँ पे ये आएगा, ये यहाँ से 20 तक आएगा, और ये जो आएगा इस प्रकार से एक हिडन लाइन को यहाँ पे ड्रॉ करेगा। और ये जो भी कटा हुआ क्या है, ये अंदर 8 mm है, ठीक है, अंदर जो है 8 mm है, तो 8 mm पे एक नीचे स्लॉट बनाएगा, हिडन बनाएगा। अब देखो यहाँ पे जो ये पार्ट जो दिख रहा है, ये पार्ट बनाया गया है, ठीक है। ये पार्ट बनाने के बाद ये जो नीचे जो ये जो भी कटा हुआ है, ठीक है, ये देखो ये पार्ट जो बनाया गया है, पहले ये पार्ट को ड्रॉ करेंगे। ये पार्ट को ड्रॉ करेंगे तो बीच में जो स्लॉट है 5 mm का, और ये 15 इसका हाइट है, 15 ये जो इसकी लंबाई है, तो वो हम यहाँ पे काटेंगे, ठीक है। तो ये आपको दिखेगा, उसके बाद जो है ये जो भी कटा हुआ भी जिसके नीचे जो गहराई है, डेप्थ है, वो 10 mm है। तो 10 mm पे हम क्या किए, एक हिडन को यहाँ पे लगाए हैं, और उसके बाद जो ये जो स्लॉट आपका कटा हुआ नीचे जो कटा हुआ 20 तक है, तो यहाँ ऊपर से जो हम 20 तक आएंगे, ठीक है, हिडन 20 में हम दर्शाएंगे। उसके बाद ये जो लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक जो आपको मिलाई गई, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी मिलाई गई है, तो वो हम यहाँ तक जो है मिला देंगे इसको, कितना पे, हिडन पे 10 mm ऊंचाई लेके हम मिला देंगे, ठीक है। अब ये जो भी कटा हुआ अंदर की ओर गया है, कितना 8 mm की है, तो 8 mm पे लेके एक डॉट हम यहाँ पे लगाएंगे। तो आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू में जो है हिडन कहाँ कहाँ पे आएगा और किस प्रकार से हमें उसे ड्रॉ करना है। आप एक चीज़ का ध्यान रखें, जब ये थर्ड एंगल में बोला जा रहा है आपको बनाने के लिए, तो थर्ड एंगल में बना रहे हैं तो थर्ड एंगल का आपको सिंबल भी बनाना होगा, और ऊपर में या जहाँ पे आपको स्पेस मिले, यहाँ पे मुझे ऊपर में मिला तो मैंने ऊपर में लिखा, ठीक है। अगर आपको नीचे मिल रहा है तो आप नीचे में लिखेंगे, ऑल डायमेंशन आर इन mm, ठीक है, ये लिखना है। और हमने जो इसे बनाया है, इसे किस रेशियो में बनाया है, किस स्केल में बनाया है, तो हमने तो इसका जो पार्ट जो कम थे 60 था, तो 60 का हमने लिया है, क्लियर है ना, 60 का लिया है, तो 1 स्केल पे वो आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ का जो रेशियो है 1:1 दिया है, ठीक है। और इसी का जब हम ये मान के चलो आप 180 है, और उतना मेरे पास कागज़ में जो है सीट पे जो है स्पेस नहीं है कि हम उसको क्लियर जो है 180 डायमेंशन लेकर बना दें, तो उसे हाफ स्केल पे बनाते हैं, यानी कि उसका जो रेशियो होता है उसको हम हाफ कर देते हैं। 180 है तो उसका जो हम आधा कर लेंगे 90, उस प्रकार से उसको जो हाफ करके बनाएंगे तो उसका जो रेशियो होगा 1:2 आएगा। आपको रेशियो भी समझ में आ गया, इसका व्यू कैसे बनाना ये भी समझ में आ गया आपको, इसका हिडन कहाँ आएगा वो भी समझ में आ गया, हिडन लाइन जो छूट गया था आंसर की वीडियो में, उसके लिए एक बार फिर से सॉरी, वीडियो थोड़ा लेट से आया है आपका, उसके लिए भी सॉरी, क्योंकि जो बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन रहे हो वो मेरे जो घर है उनके आसपास में कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं, जिनके कारण ये म्यूजिक दिन रात चलाए जा रहे हैं, जिसके कारण वीडियो बनाने में थोड़ी सी देर हुई। आज एक स्टूडेंट का जो कमेंट आया था, तो मुझे लगा कि ज़्यादा देर नहीं करनी चाहिए इस चीज़ पे, इसीलिए मैंने बनाया है, और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए भी सॉरी। अब हमें कमेंट कीजिए कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, अगर आपको ऑर्थोग्राफी व्यू पे चाहिए तो आप वो बता दो, या आपके पास कोई एसोमेट्रिक है तो वो आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही आपको अगर डायमेंशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो डायमेंशन वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको थर्ड एंगल और फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है तो प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्शन एंड ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन पे मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे देख लें, वहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। और उसी वीडियो में मैंने फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल में व्यू कैसे बनाना है यह भी बता दिया था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं, क्योंकि ITI स्टडी से रिलेटेड वीडियो आपको यहाँ पे मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।